नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में वकील सुधीर ओझा की ओर से ये केस दर्ज कराया गया है। सुधीर ओझा ने सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में प्रियंका गांधी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और लोअर कोर्ट के फैसले का अवमानना करने के आरोप में परिवाद पत्र दर्ज कराया गया है। सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट ने सुधीर ओझा के परिवाद पत्र को स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी। सुधीर ओझा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ धारा 504, 506 और 153 के तहत ये केस दर्ज कराया है। ज्यादा जानकारी के लिए तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।